दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी हाइट शाम की तुलना में सुबह 1% बढ़ जाती है और शाम में यह फिर से कम हो जाती है, जिसका मूल कारण हमारे इंटरवर्टिबल डिस्क का कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड होना माना जाता है। यकीन नहीं होता ना, तो खुद चेक करके देख सकते हैं आप। और क्या आपको यह पता है कि धरती पे एक ऐसी लाइफ है जो कि अमर है? जी हाँ, साइंटिस्ट के डिस्कवरी में प्रूफ हो गया है कि एक ऐसी जेलीफिश एग्जिस्ट करती है जो कभी नहीं मरती और यूनिवर्स की इकलौती ऐसी अनोखी प्रजाति है। लगता है इसने बहुत तपस्या किया होगा। और हमारे लहसुन स्वाद को पसंद करने वालों को क्या यह पता है कि यदि आप लहसुन के एक लौंग को अपने नंगे पांव के नीचे रगड़ते हैं तो आप अपने मुंह से लहसुन का स्वाद ले पाएंगे, मतलब गार्लिक खाने के लिए मुंह की जरूरत ही नहीं। और क्या आप यह जानते हैं कि सिक्योरिटी फर्म सिमेंटिक के शोध के अनुसार धार्मिक वेबसाइट से आने वाले मालवेयर, जिसे हम सिस्टम वायरस बोलते हैं, वह एक पोर्नोग्राफिक साइट की तुलना में 3 गुना अधिक होते हैं। हाँ जी, तो एंटीवायरस लगा ले अपने सिस्टम में। दंग रह गए ना दोस्तों? ऐसे ही टॉप 10 क्रेजी, इंटरेस्टिंग एंड दिमाग चकरा देने वाले फैक्ट्स हम अपने वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपको हैरान परेशान तो करेंगे ही, लेकिन साथ में ये आपके IQ एंड कुशलता को नेक्स्ट लेवल पर भी लेकर जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटेन में हाल के अध्ययन से ये पता चला है कि हम अपने फोन को दिन में लगभग 221 बार देखते हैं, और इससे भी ज्यादा खतरनाक यह पता चला है कि लगभग 2000 बार हम अपने फोन को छूते हैं। बट शायद आप यह नहीं जानते कि एक पब्लिक टॉयलेट की तुलना में हमारे सेल फोन में 18 गुना अधिक बैक्टीरियाज होते हैं। हमें ज्यादातर लोग अपने शौचालय को साफ करते तो दिख जाएंगे, लेकिन क्या हम अपने फोन को ऐसे ही साफ करते हैं? चलिए, अब आप जान गए हैं तो इसका ध्यान रखिएगा। क्या आपको पता है कि क्रोज या कौवे इस ग्रह के सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक हैं, और उसकी इंटेलिजेंस बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव हो चुकी है। यह कहा गया है कि कौवे एक मानवीय चेहरे को पहचानने में सक्षम है। तो आज से ये जहन में डाल लें, कभी भी एक कौवे को नाराज मत करो, वरना वो आपको पहचान कर परेशान करने के लिए भी आ सकता है। दोस्तों, एक पेड़ लगभग 45 किलोग्राम टॉयलेट पेपर का उत्पादन करता है, और 27,000 पेड़ हर दिन काटे जाते हैं सिर्फ वर्ल्ड के टॉयलेट पेपर्स बनाने में। यह एक आश्चर्यजनक और दुखद आंकड़ा है, और इसके बाद भी लोग टॉयलेट पेपर्स का मिसयूज करते हैं। हम बस आशा करते हैं कि खोए हुए पेड़ों का हिसाब लगाया जाए और नए पौधे लगाए जाएं, ताकि हमारा प्लैनेट अपनी शानदार नेचर को ना खोए। यहाँ हम सब के लिए एक मजेदार फैक्ट है। हम सब ने अपने मदर के गर्भ में अपनी अपनी मूछें खाई हुई हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, लेकिन यह बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। दरअसल हर अजन्मा बच्चा गर्भ में मूछ रखता है, जो बाद में फैलकर पूरे शरीर को ढकता है। पेट में बच्चा फिर इसी फाइन हेयर को खाता है, और इस प्रोसेस को लानुगो कहा जाता है, एंड इसे अपने जन्म के बाद निकाल देता है एक सब्सटेंस के फॉर्म में, जिसे मेकोनियम कहा जाता है। गुड क्राई, यह टर्म हम सब ने सुना होगा, बट हम शायद यह नहीं जानते कि यह एक मूल रूप सच्चाई है। रिसर्च बताते हैं कि जब हम रोते हैं तो हमारे शरीर की नेचुरल दर्द निवारक दवा एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड हार्मोन्स के उत्पादन को उत्तेजित करता है। भाई, इन शॉर्ट, अधिक रोने से अंततः अधिक मुस्कुराहट पैदा होती है। सो रोना अच्छे हैं। क्या आपको पता है कि टी बैग का इन्वेंशन एक एक्सीडेंटल प्रोसेस था? 1908 में न्यूयॉर्क के चाय व्यापारी थॉमस सुलिवन ने अपने कुछ कस्टमर्स के लिए चाय की पत्तियों के नमूने छोटे सिलिकन्स बैग में भिजवाए। अब बेचारे उन कस्टमर्स को ऐसा लगा कि शायद इस बैग का उपयोग उसी तरह किया जाना चाहिए जिस सैंपल में वो आया है, और इसलिए उन्होंने इसकी सामग्री को खाली करने के बजाय पूरे बैग को चायदानी में डाल दिया। बाद में जिसे बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स मिले, और इस तरह से हमारे टी बैग के कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। दोस्तों, क्या आप चंद्रमा पे अर्थक्वेक होने की कल्पना कर सकते हैं? जी हाँ, जिस तरह पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, उसी तरह चंद्रमा में भी यह कंपन होती है, जिसे मून क्वेक्स कहते हैं।
हालांकि अर्थ में होने वाले झटकों की तुलना में इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कम है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के वैज्ञानिकों ने इसका रीजन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से जुड़े टाइडल स्ट्रेस को बताया है। क्या आपको पता है कि पानी अपने तापमान के आधार पर अलग अलग तरीके की आवाजें निकालती है? यदि आप बहुत बारीकी से सुने तो गर्म पानी और ठंडा पानी डालने पे जो आवाज आती है वो थोड़ी अलग होती है। गर्मी पानी की मोटाई या चिपचिपाहट को बदल देती है, जो ध्वनि की पिच को बदल देती है जब इसे डाला जाता है। ठंडा पानी अधिक गाढ़ा होता है और इसलिए यह थोड़ा ऊंचा साउंड निकालता है। आप भी ट्राई करना इसे सुनने का। बहुत अजीब है, बट यह एक सच्चाई है कि हमारे चेहरे में माइट्स मतलब घुन की दो प्रजातियां रहती हैं, जिनका नाम डेमोडेक्स फॉलिकुलरम और डी ब्रिविस। इन माइट्स के सिर के पास 8 छोटे और मोटे पैर होते हैं। इनके शरीर लंबे और क्रीमी होते हैं। माइक्रोस्कोप से इन्हें देखा जा सकता है और यह हमारे फेस पे जमे ऑयल पे स्विमिंग करते दिख जाते हैं। हमारे शरीर के अन्य भागों की तुलना में हमारे चेहरे में बड़े छिद्र और अधिक संख्या में वसामय ग्लैंड्स होते हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि ये घुन हमारे चेहरे पे निवास करती। इंडिया में आज भी हम जहां एस्केलेटर पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं आपको यह जान के हैरानी होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ट्रैफिक रूल्स की तरह एस्केलेटर में चलने के भी रूल्स हैं। और इस रूल के मुताबिक आपको स्ट्रेट खड़ा होना है और लेफ्ट या बाएं से ही वॉक या स्टेयर्स चढ़ना है। दुआ करते हैं जल्द ही ऐसा कुछ हमारे देश में भी आ जाए ताकि ऐसी दिक्कतें ना हो लोगों को। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही क्रेजी फैक्ट्स एंड डिस्कवरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।